सब्सक्राइब कीजिए सुपर शिवानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आप कौन कौन से बर्तन का इस्तेमाल कौन कौन से मोड पर कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। आप चाहे तो उसे आई बटन पर टच करके उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये लिस्ट दिखा देती हूँ जो कि ऑटो कुक मेन्यू बुक पेज नंबर 6 में दी गई है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास का इस्तेमाल आप यहाँ पर सभी मोड में कर सकते हैं। हीट रेजिस्टेंट ग्लास के अंदर आपके बोरोसिल के यूटेंसिल्स आ जाते हैं, यानी कि आप बोरोसिल का इस्तेमाल सभी मोड में कर सकते हैं। नॉन हीट रेजिस्टेंट ग्लास का इस्तेमाल आप यहाँ पर किसी भी मोड पर नहीं कर सकते हैं जो कि नॉन हीट रेजिस्टेंट ग्लास होती है। इसके अंदर आपकी लो क्वालिटी की क्रॉकरी आ जाती है और आप यहाँ पर हीट रेजिस्टेंट सिरेमिक्स का भी इस्तेमाल आप सभी मोड पर यहाँ पर कर सकते हैं। और जो माइक्रोवेव से प्लास्टिक डिश होती है उसको आप माइक्रोवेव मोड पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बाकी किसी मोड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और किचन पेपर का इस्तेमाल आप माइक्रोवेव मोड पर कर सकते हैं, बाकी किसी मोड पर नहीं कर सकते हैं। मेटल ट्रे की बात करें तो आप इसे माइक्रोवेव मोड और कॉम्बिनेशन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी ग्रिल और कन्वेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर मेटल रैक के साथ भी है और सेम चीज़ यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल और फॉयल कंटेनर के साथ भी है, यानी कि माइक्रोवेव मोड पर ये नहीं इस्तेमाल होंगे और कॉम्बिनेशन में भी नहीं इस्तेमाल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिल और कन्वेक्शन मोड में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। और मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में तो बता ही दिया है पहले। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये माइक्रोवेव और इसके यूटेंसिल्स आपको पसंद है, आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। माइक्रोवेव के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल यूटेंसिल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट यूटेंसिल होते हैं, क्योंकि इनके आर पार माइक्रोवेव रेडिएशन जो कि एनर्जी होती है बड़े ही आसानी से पास होती है और फूड को बहुत ही जल्दी कुक कर देती हैं। माइक्रोवेव एनर्जी किसी भी मेटल के यूटेंसिल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए आप माइक्रोवेव मोड पर इस मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप रिसाइकिल्ड पेपर प्रोडक्ट को भी माइक्रोवेव के अंदर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मेटल के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि स्पार्क्स या फायर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सुपर शिवानी को सब्सक्राइब करें और अपनी फेवरेट रेसिपी देखने के लिए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।